झारखंड के गढ़वा जिले के लिए आज या शनिवार का रोज हम काला रोज कह दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक पुलिस जवान समेत तीन लोगों की मौत हो गई। दो घटना घटित हुई। पहली घटना हम आपको बताएं कि गढ़वा जिला मुख्यालय से जब आप डाल्टनगंज की ओर जाते हैं तो एक भिखी मोड़ पड़ता है, उस मोड़ से निश्चित रूप से आप वाकिफ होंगे, बराबर आपका आना जाना लगा रहता है। तो उस भिखी मोड़ पर लगातार घटनाएं घटती हैं, सैकड़ों लोगों को अब तक वह मोड़ निकल चुका है, वहां पर इतनी घटनाएं घटित हुई। आज फिर घटना घटी रिलायंस बस और एक पिकअप वैन में टक्कर हुई और दो लोगों की, पिकअप वैन से दो लोग जो सब्जी लाने ले जाने का कारोबार करते हैं तो दो लोग थे। उस घटना में टक्कर इतनी जोरदार थी कि गैस कटर से काट करके शव को बाहर निकाला गया। अब घटना कितनी भीषण थी आप अंदाजा निश्चित रूप से लगा सकते हैं। ये भिखी मोड़ की घटना हुई, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, गढ़वा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस में जो शव को ले जाया जा रहा है ग्रामीण है। उस घटना के बाद जैसे जैसे सूचना लोगों को मिलती गई, भिखी मोड़ पर लोग जमा हुए और वहां से शव को लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। भिखी मोड़ पर पहली घटना घटी जहां पर रिलायंस बस और पिकअप वैन में टक्कर हुई, जिसमें दो लोग जो थे सब्जी का कारोबार करते थे, पिकअप वैन से लाने ले जाने का काम करते थे, उनकी उस घटना में मौत। एक पिपरा के जफरान खान के लड़का और एक उचरी के लड़का, इन लोग पिकअप से सब्जी बेचने के लिए डाल्टनगंज सब्जी छोड़कर मटर वटर छोड़कर वापस आ रहे थे, जो रिलायंस बस से भिखी मोड़ के पास भीषण दुर्घटना घटी। जो इस दुर्घटना से पूरे पिपरा के लोग, तमाम उचरी के लोग पूरे आहत में हैं। दो लोगों की घटना घटी, बस और पिकअप में जबरदस्त टक्कर बस है, जबकि वहां पर बताने वाले जो बताए कि पिकअप पूरे किनारे में से था, बस जो आया और बस पिकअप में मारते हुए वहां के ग्रामीण लोग जमा हुए। एक वहां पर संतोष चौधरी भी था जो वहां पर निकालने में बहुत मदद किया और उसी के द्वारा कुछ लोगों को खबर हुआ, कुछ ग्रुप के माध्यम से भी खबर हुआ, तो हम लोग देखे तो ये पता चला कि जफरान खां पिपरा जो ब्लॉक के सामने जो मुर्गी दुकान है उसी का लड़का ये बगल में बैठे हुए था और ड्राइवर जो था, ड्राइवर भी उसको लेकर जबकि चैनपुर लेकर चला गया, जो वहाँ दोनों के घटना स्थल पर ही दोनों की मौत हुई है। जो अभी भी जो उचरी का लड़का जो ड्राइवर है उसको अभी गढ़वा हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। वो थोड़ा सा भिखी मोड़ से उधर प्लामू के बॉर्डर से चला गया था, इसलिए उसको चैनपुर में लेकर चले गए थे। तो पहली घटना है। अब दूसरी घटना आपको बताएं कि गढ़वा जिले का ही पुलिस जवान जो श्री बंसीधर अनुमंडल न्यायालय जो है वहीं पर पोस्टेड था और वह जवान छुट्टी में अपने घर को जा रहा था, पलामू जिले के उटारी थाना क्षेत्र में उसका घर है, अशोक नाम, मझियाव जाने के रास्ते में खजूरी वहां भी मोड़ है, जैसे भिखी मोड़ है वहां भी वो खजूरी मोड़ है, वहां पर भी जो घटना घटी उसके साथ वह भी बस के कारण ही घटित हुई। बस से धक्का लगता है और वह बाइक समेत, अब जिस बाइक से वह घर को लौट रहा था वो बाइक समेत बस के अंदर चला आता है और बस उसे रौंद देता है। घटना स्थल पर उस जवान की मौत हो गई। अंत परीक्षण शव का कराया गया, यहाँ पर सारे पुलिस अधिकारी मौजूद थे, मेजर ओम प्रकाश दास मौजूद थे, शहर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत रहे, सारे पुलिस मैन एसोसिएशन के अधिकारी रहे, सबकी मौजूदगी में परीक्षण हुई और उस शव को सलामी के लिए पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां पर शव को सलामी दी जाएगी और सलामी देने के बाद उसे परिजनों को सपोर्ट किया जाएगा। उटारी रोड तक एसोसिएशन के लोग जाएंगे जहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा। जी, इनका नाम अशोक राम है, ये 2012 बैच के कॉन्स्टेबल है, ये सेशन गार्ड नगर उटारी में थे, ये ड्यूटी के दौरान इस प्रकार से घटना घटी है। ये पुलिस लाइन में रहते थे, यहाँ से ड्यूटी कंटिन्यू करने जाते थे, किसी काम की वजह से गए हुए थे और आने के क्रम में
तेजी और लापरवाही से बस चालक में धक्का मार दिया है, जिसके कारण इनके घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। पुलिस विभाग के लिए बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने अपने एक सिपाही को खो दिया है, इसके लिए हम लोग सबों को दुख है। हम लोग बस अभी यहां से जाएगी पुलिस लाइन, इनको सलामी दिया जाएगा, जिसके बाद इनका दाह संस्कार किया जाएगा, इनके परिजन इनके दाह संस्कार करेगा। पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से इनको कुछ सहायता राशि दी जाती है। मैं धीरेंद्र कुमार पासवान, कोषाध्यक्ष, पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा गढ़वा, कहेंगे कि इनका जो भी लाभ मिलेगा वो पूर्णतः अविलंब इनको लाभ दिया जाए। धन्यवाद। दो घटना घटित हुई आज गढ़वा जिले में, इसीलिए हमने आज शनिवार के दिन को काला दिन कहा कि दो अलग अलग घटना में एक पुलिस जवान समेत इन लोगों की मौत हो गई। और हम एक बार फिर से कहेंगे कि भीखी मोड़ वह मोड़ है जिसे मौत का मोड़ कह देना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कई सालों से लगातार उस मोड़ पर घटना घट रही है, लगातार लोगों की जान जा रही है। हमें याद है, क्योंकि वह मोड़ इसलिए याद है हमें कि पिछले साल ही, आप जानते होंगे, आप निश्चित रूप से वाकिफ हैं उस नाम से, बिंदास न्यूज का ही एडिटर नयाब हुनर का मालिक मनीष लोहार, जो अपने परिवार के साथ बराव से गढ़वा को लौट रहा था और ऑटो और बोलेरो में टक्कर हुई थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ था मनीष, जिसके इलाज के दरमियान रांची में मौत हो गई थी। तो अब भीखी मोड़ मौत का मोड़ साबित हो रहा है। हर साल अब तक सैकड़ों लोगों की जान उस मोड़ पर जा चुकी है। जरूरी होगा जिस तरह मोड़ है, जो टर्निंग है, उस टर्निंग के कारण ही घटनाएं घट रही हैं। और क्या कारण है, कुछ और कारण हो सकता है, इसकी पड़ताल हम अलग खबर में करेंगे। लेकिन उस मोड़ को अगर, जिस तरह ग्रामीणों से हमारी बात हुई घटना के बाद, जो शव लेकर पहुंचे थे पिकअप वैन वाले शव को, तो ग्रामीणों का कहना था कि इस मोड़ को अगर सीधा कर दिया जाए तो शायद घटना पर रोक लग सकती है। प्रशासन को निश्चित रूप से यहाँ पर पहल करनी होगी ताकि वहां पर घटना को रोका जा सके, घटना वहां पर रुक सके, क्योंकि सैकड़ों लोगों की जिंदगी को अब तक वह मोड़ निकल चुका है। धन्यवाद।